सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रुद्र कुलकर्णी एंड यू आर वाचिंग रुद्र के ब्लॉग्स। यस गाइस, आ चुके हैं आपकी सेवा में फिर से एक बार नया ब्लॉग लेके। तो आज का ब्लॉग भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरा जो पेट डॉग है ग्रेसी, वो फीमेल है और उसके एक महीने पहले आए थे पीरियड्स। तो पीरियड्स के वक्त मैंने उसकी कराई थी मीटिंग, तो वो एक महीने से प्रेगनेंट है और आज उसकी फाइनली डिलीवरी होने वाली है। तो आज एक गुरुवार और गुरुवार का दिन मतलब आज चतुर्थी भी है, तो बहुत शुभ दिन पे उसके बच्चों का जन्म होने वाला है। तो मैं सब मतलब मम्मी पापा सब बहुत खुश है। तो आपको दिखाऊंगा ये ब्लॉग में कि ग्रेसी की डिलीवरी कैसी होगी, सेफली होगी बस। और ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास मेरे नए ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। तो सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे जाके भी फॉलो करना। तो देखते आगे आगे क्या होता है। तो फाइनली गाइस ग्रेसी का पहला बेबी आ चुका है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ग्रेसी इधर, और ये देखो बेबी, पहला बेबी है, कितना क्यूट है गाइस, आप देख सकते हो। और ये देखो ये इधर, मुझे आपको दिखाना था कि मैंने कैसा मतलब घर पे हो चुकी उसकी प्रेगनेंसी, उनके कुछ डॉक्टर रहते नहीं है। तो अभी पापा भी आ रहे और पहली डिलीवरी का बच्चा मैंने उसका ठीक से किया, मैंने और मम्मी ने। तो पहला बच्चा तो आ चुका है, अभी कितने मालूम नहीं, और एक चार पांच हो गए तो बस हो गया मुझे, और एक ब्लैक चाहिए बस। अभी दिखाता हूँ आपको फिर से। वो अभी ग्रेस को चेक करे, अभी भी बेबी सोने वाले हैं और भी। तो अभी देखता हूँ डॉक्टर कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे। तो गाइस दिस सेकेंड भी बेबी बॉय का मतलब हो गया, मतलब उसकी भी डिलीवरी हो चुकी है सेकेंड के भी, वो भी मैंने और मेरे पापा ने की। अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब पहले जो फीमेल थी अब मेल है। ये था सेकंड पपी, मतलब जो था मेल, हाँ ये था मेल, और पहली थी फीमेल। और पहली बहुत हेल्दी, ये भी हेल्दी पर ये थोड़ा मतलब ऐसा लुकड़ा सुकड़ा है। तो अभी फिर से जाएंगे ऊपर, देखेंगे क्या है हालचाल। अभी उसकी फीडिंग चालू है, उसको दूध मिलना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उसकी फीडिंग चालू है। फीडिंग होने के बाद फिर से आपको दिखाऊँगा कि कैसा है अपना बेबी बॉय, राइट। चलो तो फाइनली अभी तीसरा भी बेबी आ चुका है, वो भी बेबी बॉय है। तो अभी आपको दिखाता हूँ थर्ड बेबी बॉय। रुद्र मदद सपोर्ट। दोन मिनट बस ग्रीसू, बस दोन मिनट थाम बेटा। तो ये है थर्ड बेबी बॉय, यस ग्रेसी। चलो अभी इसको डाल देते हैं नीचे, उसके भी थोड़ी देर के बाद फीडिंग करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी देखो, मास्क लगा के बैठे। मुझे एक क्लिप लेनी है कि वो जब मैं क्या वो जो पिशवी रहती ऊपर की वो निकालते वक्त वो क्लिप लेनी, पर मुझे वो दिमाग में आता ही नहीं। तो अगला जो बच्चा आएगा तब मैं बताऊंगा कि आपको वो कैसे
करते हैं हम सब। कैसा लग रहा है आपको, आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है और आप दादी जी बन चुकी है। अभी 2 घंटे हो चुके हैं, पर 2 घंटे के बाद मतलब जो थर्ड बेबी था उसके बाद ग्रेसी ने एक भी बेबी की डिलीवरी नहीं की है। तो अभी कितनी देर लगेगी कुछ पता नहीं है, कब से रुके हैं ऐसा ही। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सुबह बस राइस खाया था और उसके बाद कुछ खाया भी नहीं है। बहुत भूख लग चुकी है, पर नीचे भी जा नहीं सकते इसको अकेले छोड़ के, और पापा भी बाहर गए और मम्मी भी नीचे काम कर रही है, तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फोर्थ बेबी आता है तो आपको दिखाऊंगा कि फोर्थ बेबी भी कैसा होगा, देखो फिर व्लॉग एंड तक। तो अभी रात के 10 बज चुके, तब भी मतलब जो फोर्थ बेबी था उसका भी मतलब वो डिलीवरी अभी तक दी नहीं है उसने, ऋषि ने। अब कितनी देर लगेगी क्या पता, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ 3 ही बच्चे की डिलीवरी हो चुके। तो अभी दिखाता हूँ उनकी भी फीडिंग ही चालू है, अभी देखो फिर। गाइज आज 3रा दिन भी शुरू हो चुका है और कल रात को मतलब 12:05 या 10 को ग्रेसी का 4th बेबी हुआ, वो भी फीमेल थी, वो भी हेल्थी है। पर इतने रात को एक पपी हुआ और अभी कितने हुआ है वो किसको भी पता नहीं है। कल रात से ठीक से सोए भी नहीं हम, अभी फिर से उठूँगा, फिर से ऊपर जाके वो पपीज़ की फीडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि पापा भी बाहर गाँव गए आज सुबह, तो मम्मी और मुझे सब देख रहा है। तो अभी उठते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कितने पपीज होते हैं और फिर दिक्कत हो आगे आगे देखो बस। तो गाइस फाइनली ग्रेसी के 4 बेबीज हो चुके हैं। अभी दोपहर को मैं बाहर गया था तब डॉक्टर आके भी चले गए, तो वो बोले बस 4 ही बेबीज हुए, मतलब और नहीं हो सकते, मतलब है ही नहीं पेट में वैसा कुछ, बेबीज नहीं और ज़्यादा, तो 4 ही बेबीज हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेसी भी बहुत खुशी है, सभी बहुत खुशी घर पे, और 4 जो बेबीज है वो बहुत हेल्दी है। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और लिखना आपको ग्रेसी के बेबीज कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कुछ स्पेशल होगा तो मैं दिखाऊंगा अगले ब्लॉग में। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर देखना अगला ब्लॉग, चलो मिलते हैं फिर।